परवल जिले के गांवों के साथ होकर गुजर रही यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क आपस में टूट चुका है। यमुना नदी में पानी बढ़ने की वजह से पढ़ाई करने के लिए बच्चे नाव में बैठकर स्कूल आते हैं और नाव में उनको 10-10 रुपए देने पड़ते हैं। साथ साथ गांव के लोगों को भी यमुना पार करने के लिए 10-10 रुपए देने पड़ रहे हैं। स्कूली बच्चों ने कहा कि गांव में उनको डर लगता है, सरकार और जिला प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं है। किस तरह जान को जोखिम में डालकर खुद नाव को चलाकर स्कूली बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, इसका अंदाजा यही बच्चे लगा सकते हैं कि इनको इस समय कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। इतना ही नहीं, यह नाव तो खुद ही चलाते हैं लेकिन फिर भी इनको नाव में बैठने के 10-10 रुपए देने पड़ रहे हैं। और इस समय यमुना नदी में भारी पानी बढ़ गया है। यमुना पार के गाँव के लोगों को भी यमुना पार करने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है और ग्रामीणों को भी यमुना पार करने के लिए नावों में बैठने के लिए 10-10 रुपए देने पड़ रहे हैं। स्कूली बच्चों ने कहा कि वह अपनी जान को जोखिम में डालकर और पैसे देकर पढ़ाई करने के लिए यमुना पार करने के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं लेकिन उनको यमुना नदी में भारी पानी बढ़ने की वजह से डर लगता है। बच्चों ने बताया कि नदी के किनारे पड़ने वाले गाँव अच्छेजा, इंदिरा नगर, कुशक, टप्पा, बिलौचपुर अथवा काशीपुर जैसे दर्जनों गाँव के लोगों को अब नदी के बहाव का डर सताने लगा है क्योंकि गांव में पानी प्रवेश कर चुका है लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी गई है ताकि लोगों को किसी भी स्थिति से निपटने में सहायता मिल सके। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ग्रामीण पूरी तरह अलर्ट हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी प्रशासन अभी तक नहीं जागा है। उमेश बेटा कौन से कक्षा में पढ़ते हो? 12वीं। तो कौन से गांव से आते हो बेटा जो यहाँ पे यमुना नदी पार? महाराजगढ़ से आते हैं, बिलौचपुर जाते हैं, जमुना पार करके नाव पर परेशानी उठाते हैं। बहुत ज्यादा जमुना चढ़ रही है और हमें ऐसी डेली रोज ही आना जाना है हमारा। किसी तरह से हमें और इस तरह से सरकार को कुछ करना चाहिए। हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है और जमुना पानी का स्तर बहुत ऊँचा है और बढ़ रही है। और कोई रास्ता नहीं बेटा? और कोई नहीं रास्ता है, खाली यही यमुना से मतलब यमुना नदी पार करनी पड़ती है नाव से। तो आप मतलब कितने पैसे देते हो? 10 रुपए रोज। 10 रुपए रोज। तो आपको परेशानी होती है? परेशानी क्या, आप यमुना नदी पार करते हो तो आपको डर लगता है? डर सा लगता है। बुढ़े क्या नाम? मंजू। बेटा कौन से कक्षा में पढ़ते हो? 7वीं। कौन से गाँव में? बिलौचपुर। बेटा आप कौन से गाँव से आते हो? आप जो आप इस यमुना नदी में को पार करोगे, कौन से गांव जाओगे और क्या मतलब डेली स्कूल इसी तरह से आ जा रहे हो आप? हाँ जी। कैसे? महाराजगढ़ से आते हैं, नाव जमुना चढ़ रही है, पानी आ रहा है बहुत ज्यादा और हम रोज की इसी तरह जाते हैं। सरकार को कोई कुछ करना चाहिए, पानी बढ़ रहा है बहुत तेज। आप स्कूल इसी तरह आते जा रहे हो? हाँ जी। कोई सुविधा है सरकार तरफ से इस समय? नहीं है। यमुना नदी जो बढ़ रही है, आपसे आप मतलब कितने पैसे देते हो यमुना नदी पार करने के? 10 रुपया रोज देते हैं।